मॉर्निंग फ्रॉम सिंध। तो इस वक्त आपका भाई मौजूद है मेन नेशनल हाईवे के ऊपर, और आज का प्लान ये है कि सबसे पहले हम लोग आ गए नाश्ता करने सुपर मदीना रेस्टोरेंट, जो कि मेन सुपर हाईवे के ऊपर वाक़ है। और यहाँ से फारिग होने के बाद, नाश्ता करने के बाद, हम लोग जाएंगे मंचर लेक, और मंचर लेक से हम लोग आप लोगों को ले जाएंगे हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के ऊपर। और यहाँ पे आज हम लोग अपना सिंध सोनी धरती को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, बचपन से मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं इन जगहों को एक्सप्लोर करूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। लेकिन आज इत्तेफाक से हम सबको मौका मिल गया है, आप लोगों को लेके चलते हैं खूबसूरत सी सिंधी जर्नी के ऊपर। तो आ जाइए हमारे साथ। सफदर बशीर भाई, थोड़ा सा बताइएगा यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, क्या क्या मिल रहा है। मटन कढ़ाई है सर, चिकन कढ़ाई है, मटन नमकीन रोस्ट है, बारबेक्यू है, दाल मूंग है, दाल चने का है, माश का दाल है। अच्छा सफदर भाई, कौन सा आइटम ज्यादा पसंद करते हैं लोग, कौन सा ज्यादा चलता है? नमकीन रोस्ट। अच्छा, ये ट्रक वाले ज्यादातर वही खाते हैं जी सर। उसके साथ लाल आटे की रोटी आराम से हजम हो जाती है। अच्छा, ये रायता है। चाय जो मिलती है, दूध पत्ती चाय एक नंबर है। अच्छा, दूध की चाय होती है। बस पिला दो जल्दी से, पहले खाना खाते हैं उसके बाद चाय पीते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो ये बड़ी सी देखची है यहाँ पे, दूध रखा हुआ है। भाई अपना नाम भी बताओ यार, आप चाय जो बना रहे हो, चाय मास्टर रियाज भाई। चाय की खुशबू बता रही है, चाय बेहतरीन है। अच्छा शौकत भाई, दूध यहीं से आप लोग लेते हो खालिस जो आता है देसी? यही वाड़े का दूध आते हैं और बाहर से नहीं मंगवाते। अच्छा, यही इस्तेमाल होता है, बच्चा निकाले। अच्छा अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये अपना वाड़े का है। अच्छा, ये अभी दिया इसने बच्चा? अच्छा अच्छा, तेरे आगे देख रहा है। तो ये जो गोश्त वोश इस्तेमाल होता है वो इन्हीं की कुर्बानी? नहीं, वो इनकी नहीं होती, वो छोटे मंगवाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये गर्मा गर्म नाश्ता आ गया है हमारा। क्या तासुरात हैं, कैसा है खाना? ओवर एक्टिंग के पैसे कटते हैं, ओवर एक्टिंग नहीं, बिल्कुल नेचुरल और न्यूट्रल खाना है। हर आइटम अच्छा है। हर आइटम तो आपने अभी चखा ही नहीं, खाली एक चखा है। नजर आ फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो मैं यहाँ पे चिकन रोस्ट जो है वो ट्राई करने वाला हूँ। दिखने में बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। What is it? Since I don't know what it is. जैसे चिकन का सालन होता है वैसी है, okay. लेकिन इसको मेरे ख्याल से काफ़ी देर तक पकाते हैं, काफ़ी देर तक पकाते हैं, और वो जायका जो है वो आ रहा है। और मुर्गी जो है वो देसी मुझे लग रही है। पर मदीना पे हर चीज़ देसी है सर, हर चीज़ देसी है। Everything is like organic. देसी है सुपर मदीना पे, दूध आटा रोटी सब कुछ आप चाहते हैं खाना खाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आलू पालक। तो यहाँ पे हमारे देसी आटे के बने हुए पराठे आ गए हैं, जोरदार किस्म के। देसी दूध की बनी हुई चाय है, इलायची है, गुड़ है। तो सबसे पहले जो मैं काम करने वाला हूँ ये कि यहाँ पे मैं गुड़ थोड़ा सा शामिल करूँगा अपनी चाय में। एक इलायची इसको तोड़ के मैं इसके जो बीज हैं दाने जो है वो इसे डाल देता। चमचा नहीं है, चमचा वो ले लेंगे। चमचा जैसे लेकर आएंगे मैं इसको चलाऊंगा, और पराठे को मैं ऐसे एक निवाला तोड़ के। ओह यस, द ट्रेडिशनल वे। अगर ये नहीं कर रहा है और पाकिस्तान घूम रहा है तो क्या हाथ पाकिस्तान घूम रहा है? ये करना तो बहुत जरूरी है। चाय बना रही है मेरे लिए? अच्छा, पढ़ने जा रहे हो स्कूल? गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
तो भैया हमारी खूबसूरत और सोनी सिंधी धरती का सफर जारी और सारी है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं खूबसूरत तरीन मंचर लेक के पास। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताना बहुत जरूरी है, वो ये कि सेवन शरीफ अगर आप लोग आ रहे हैं तो वहाँ से 20 या 25 मिनट की दूरी पे ये खूबसूरत तरीन मंचर लेक वाकई है। अगर सेवन शरीफ तक आ गए और यहाँ नहीं आ रहे तो बनता नहीं है यार, यहाँ आ जाओ और ये एक्सप्लोर करो क्योंकि ये वाकई में हिडन जेम ऑफ सिंध है। क्या तासुरात है, कैसी लग रही है? I made some friends along the way, so we are actually headed to Sevan Sharif today. And Manchar Lake actually raaste mein aati hai. It's like a desert, and then the biggest lake you'll ever see. So this Manchar Lake is actually home to so many boat families, also known as the Mohane. Lekin wo move around karte hain because they live on the boat. बिल्कुल ऐसे ही है। तो Sevan Sharif जो है यहाँ पे हजरत लाल शहबाज कलंदर का मजार भी है और उसके अलावा यहाँ पे हाजरीन आते हैं पूरे पाकिस्तान से, उर्स होता है और मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आके अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आज हम लोग आए हैं ये एक्सप्लोर करने के यहाँ पे लोग दूर दूर से आके क्या करते हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे गोट के जो बच्चे हैं सारे वो जमा हो गए, सब स्कूल जा रहे थे। स्कूल से भाग के आए हो या घर पे थे? स्कूल से भाग कर आ गए वीडियो में आने के लिए। अव्वल भी तू आखिर भी तू अल्लाह हूँ। सब्सक्राइब टू इमी एंड अनी दबाद। मैंने आप सबको बताया था कि मैं आप सबको रॉ अनडिस्कवर्ड अनसीन सिंध दिखाऊंगी, तो इससे ज्यादा रॉ तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे औरतें कपड़े धो रही हैं, ये टोकरियां सर पे लेके जाती हैं अपने घर से ऐसे, एंड दे लाइक गो हियर टू द मंचर लेक, दे वॉश देयर क्लोथ्स एंड देन दे गो बैक। तो हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पे यहाँ के लोग कपड़े धो रहे हैं। दीस ब्यूटीफुल लेडीज कपड़े सुखा रही हैं अब। ओह सो दे आर सेइंग दैट दे जस्ट वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स और अब ये सुखा रही हैं। कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं? घर 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 उधर है। अच्छा सो दिस इज इनक्रेडिबल, इट्स अमेजिंग और दीज पीपल आर एक्स्ट्रा हॉस्पिटेबल एंड इट जस्ट गोज टू शो यू दैट ह्यूमैनिटी गोज अ लॉन्ग वे गाइस। लुक एट दिस, आ जाओ इनू जल्दी जल्दी जल्दी। बाय बाय लाल मेरी पत, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो सिंधड़ी दा। हजरत सैयद उस्मान मरवंदी जिनको लोग लाल शहबाज कलंदर के नाम से जानते हैं मेवन में पैदा हुए जो कि अब अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। लाल शहबाज कलंदर सन 1196 में सिंध आए और यहाँ पे उन्होंने चंद साल बाद एक मदरसा कायम किया जहाँ पे उन्होंने हजारों लोगों को अपनी तालीमात के जरिए मुतासिर किया। तो यहाँ पे मैं लाल शहबाज कलंदर की रेस्टिंग प्लेस में हूँ एंड आई फील सो ट्रूली टच्ड दैट आई एम एक्चुअली हियर आफ्टर बी लाइक आफ्टर इमेजिनिंग बीइंग हियर फॉर सो लॉन्ग। आई एम सो प्रिविलेज्ड दैट आई केम हियर और ये जगह इतनी स्पेशल है इतने सारे लोगों के लिए, तो यहाँ आना मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। एंड इट्स रियली लाइक दिस रिलैक्स फीलिंग इन द एयर, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, देयर जस्ट ड्रूइंग हियर, देयर मेकिंग दुआएं हियर एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग टू। एंड इन हियर इज द टूम। Most about the message of Lal Shahbaz is humanity. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर या गरीब हो, आप जैसे दिखते हो, आप जहाँ के भी हो, it does not matter because when you come here, you are all equal and you are human. So ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, it's a really beautiful concept. और यहाँ पे exactly यही feel हो रहा है, हर बंदा equal है, it doesn't matter where we come from, as long as we're here, we're all equal and it's just such a nice feeling. Over here, I am with Nazir bhai, जो कि इनके बगैर हम आ ही नहीं सकते थे अंदर। इट इज़ सो सो अमेजिंग दैट ही इज़ लेट अस इन। और ये यहाँ के म्यूजियम के इंचार्ज हैं जी, ये हम
म्यूजियम का इंचार्ज है कल्चर डिपार्टमेंट के, हमारे पास म्यूजियम जो बंदे आते हैं पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं वो हम आपको दिखाते हैं, आप उधर विजिट करें तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो बहुत खूबसूरत बनाया है म्यूजियम। ठीक है, और आप? भाजी मेरा नाम अलाउद्दीन भंगर है, मैं स्पेशल ब्रांच का दरबार का इंचार्ज हूँ, यहाँ ही हमारी ड्यूटी होती है 24 घंटे, इधर ही होती है 24 घंटे इधर ही। अगर आपको यहाँ आना है एंड यू वांट टू कम इन हियर द राइट वे, दीज आर द गाइस टू कम टू। Just outside the Darga, there are so many markets. यहाँ पे ड्राई फ्रूट मिलता है, शॉल्स मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, चूड़ियाँ बहुत सारी मुझे नज़र आ रही हैं। And the curious thing is, छोटे छोटे बच्चों की भी यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, just so nice. आपको यहाँ पे रिंग्स मिलेंगे, absolutely everything. So outside the Darga, you will see a lot of sweets and like dry fruits. तो एक्चुअली लोग करते क्या हैं, दे एक्चुअली बाय दीज एंड दे गिव इट टू किड्स इनसाइड फॉर चैरिटी। सो दैट इज़ लाइक अ रियली नाइस थिंग टू डू, यू कैन बाय फूड एंड गिव इट आउट टू पीपल। सो देयर इज ऑल दीज रियली नाइस थिंग्स ओवर हियर।